Hello everyone, you are welcome back to KS Media System. So today's topic is 12 locks in Filipino martial arts system. What I was taught, so I will be teaching the same thing to you. हम 12 जो locks हैं, basic locks, उनको use कैसे करते हैं और उन्हें कैसे हम अपने self defense के लिए use कर सकते हैं. इसमें एक चीज important ये है कि जो भी लॉक्स होती हैं, जो भी हम 12 लॉक्स की सीरीज करेंगे, उसमें ये नहीं है कि हमें सारे लॉक्स यूज करने होते हैं, बट लॉक्स हमें इतने प्रैक्टिस होने चाहिए कि जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उस लॉक को कर पाए. इसके लिए सेम वही पैटर्न आपको करना पड़ेगा, 1000 टाइम आपको उस चीज को प्रैक्टिस करना है. इतना प्रैक्टिस करना कि आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से वो लॉक्स हैं फ्रॉम दिस साइड. पहला जो लॉक होता है वो ये है कि पहला हम रिस्ट लॉक से शुरू करेंगे. ठीक है, कलाई से शुरू करेंगे. हम कलाई को जब होल्ड करते हैं तो इस तरह से हमें होल्ड करना, अपना जो थंब है वो यहाँ पे होता है, बट हम किसी की रिस्ट को थंब के प्रेशर से ही कंट्रोल नहीं कर सकते. उसमें एक चीज ये होती है कि हमें अपना जो दूसरा हाथ है उसका प्रेशर डालना होता है और फिर हमारा जो फुटवर्क होता है उसका हम यूज करते हैं, जिससे कि जो ये हाथ है इसके डिस्टेंस से हम बच पाए. बहुत सारी चीजें एक लॉक के साथ में चलती हैं. तो पहला लॉक तो है आपका रिस्ट लॉक. दूसरा जो लॉक है हम होल्ड करेंगे और जो आर्म है आपका उसे हम पुश कर रहे हैं. तो दूसरा लॉक हम क्या कौन सा कर रहे हैं, यहां पुश कर रहे हैं. और तीसरा लॉक सेम है बट जो हाथ की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा था, वन, दिस इज वन, यहां से आए हम टू एंड थ्री, ये आपके तीन लॉक हो गए. फोर्थ लॉक के लिए आप इसे पुश करेंगे एंड यू विल गो बैक साइड. बैक साइड जाएंगे और आपका जो राइट हैंड है उससे कंट्रोल करेंगे बॉडी को. जरूरत पड़े तो आप यहां से रिस्ट लॉक से भी कंट्रोल करके रख सकते हैं. फिफ्थ लॉक हम आ जाएंगे आगे, ये हमारा फिफ्थ है. यहां पर हमने क्या किया है, चेस्ट पर इसे रखा है और ये जो रिस्ट है उसे हम अंदर की तरफ को रिस्ट करेंगे. ठीक है, तो रेंच करेंगे, जैसे हम इसको मोड़ेंगे तो दूसरे का आप रिएक्शन देख सकते हैं. तो ये हो गया आपका फिफ्थ लॉक. फिर है आपका सिक्स्थ, आप इसे इस तरफ को ट्विस्ट कर लेंगे, दूसरी तरफ को ट्विस्ट करेंगे और होल्ड करके रखेंगे, जैसे पुश करेंगे. ऑलराइट, सो यू कैन सी, आपको दिखेगा कि ये बहुत ही पेनफुल लॉक होता है. ठीक है, जैसे आप इसे पुश करेंगे ना दूसरे को बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है. इसके बाद सिक्स के बाद आपका सेवन्थ जो लॉक है उसे आप शोल्डर पे रख लेंगे. यहां पे आपको रखना है और इसे पुश करना है. ठीक है, जैसे आप शोल्डर पे पुश करेंगे इधर को आपको पुश करना है, ये आपका सेवेंथ लॉक है. एट लॉक जो है वो फोर्थ लॉक का ही सेम, जो फोर्थ लॉक है वही है, बट उस टाइम हम फोर्थ में क्या कर रहे थे, राइट हैंड को यूज कर रहे थे, अभी हम लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे. तो ये एक एक लॉक को हम सीखेंगे और कैसे प्रैक्टिस करना है वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे. तो एट्थ लॉक जो है वो हमारा ये वाला है, इसमें हमने क्या किया, इस तरफ को इसको कंट्रोल किया है. फोर्थ में क्या था, इस वाले हैंड से था और एट्थ में इस वाले में. नाइन्थ क्या है, नाइन्थ में हम हाथ को सीधा कर देंगे और इसे कंट्रोल यहां पे कंट्रोल करके रखेंगे, दिस इज द नाइन्थ वन. टेंथ में है आपका फिगर फोर, आप इसे ऊपर लाएंगे और फिगर फोर यूज करेंगे. फिगर फोर अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसे आप एक सेकंड में कैसे लगाएंगे उसे भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुश करना है. आप हिट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये हो गया आपका टेंथ पॉइंट. टेंथ के बाद इलेवन कौन सा है, जो हाथ है आपका ये पोजीशन है, आपको इनसाइड आपको क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है. ठीक है, ये आपका एक लॉक है, इसे आप पुश करके ऐसे भी रख सकते हैं. ठीक है, वो आपका फॉलो अप है क्या करना है, लेकिन अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं, जो बेसिक पोजीशन है उन्हें सीख रहे हैं. ये आपका 11th हो गया. और 12th क्या है, 12th आपको अपसाइड डाउन रखना है, ये वाला, इस वाले लॉक में आप किसी को अगर होल्ड करना चाहते हैं इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में, लेकिन आपको अभी क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ सीक्वेंस देखना है. सीक्वेंस क्या है, देखिए, वन, दिस इज वन and two and three and four, आगे लाएंगे five and six, push here seven, go back eight, nine,
and come here with figure 4, 10, this is 11, and go this side, this is your 12 block. एक बार से फिर से हम इसे बहुत आराम से करने वाले हैं. ओके, वी विल डू इट लेटर. अभी आपको वीडियो में फिर से करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है. कभी भी जो लॉक होता है वो हम क्या उसे डायरेक्ट किसी भी लॉक में हम जा नहीं सकते, या हम दूसरा कोई अपना हाथ इस तरह से हमें देगा नहीं लॉक करने के लिए. तो इसके लिए हमें कोई ना कोई बॉडी में हिट करना होता, हाथ को चैनलाइज करना होता है जब हमारे पास कोई आता है. ठीक है, जैसे पंच किया, पंच में पंच किया, ये पंच है, मैंने इसे क्या किया पुश किया और हिट किया इनसाइड. यहां मैंने इसको क्या किया हिट किया, बॉडी में हिट किया, इनसाइड आईज में हिट किया. ओके, तब जाके मैं क्या करूंगा लॉक मुझे मिलेगा करने को. ठीक है, और ये आपको एक सेकंड का टाइम मिलता है. जैसे कि पंच में इज अ पंच, दिस इज हियर, देन आई विल कम बैक विद लॉक. जैसे अब इसमें किया पंच, मतलब बूम, आई वेंट देयर, देन आई यूज फिगर 4, पंच बूम, दिस इज आई वेंट फॉर द थर्ड वन, पंच दिस इज और दिस इज सेकंड. ओके, कम होम, आई हिट ऑन फेस, आई केम हियर, नाउ फ्रॉम हियर आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट आई एम यूजिंग दिस वन. आई कैन गो दिस साइड, ओके, आई पुश दिस साइड, आई कैन यूज दिस वन. आई कैन गो फॉर फिगर 4, एंड आफ्टर फिगर 4 आई कैन यूज दिस वन. आई कैन गो फॉर अपसाइड डाउन, एंड अपसाइड डाउन यू कैन यूज द सेकेंड हैंड. वेन वॉज समबडी यूज सेकेंड हैंड, आई गो दिस, आई गो फॉर पंच. तो आपने देखा कि हम कोई भी जो लॉक है उसे कैसे कहां पर यूज कर सकते हैं. जैसे कि पंच किया, अब मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, इट विल नेवर हैपन. जैसे ही कोई पंच करता है मैं इसको होल्ड करूंगा, यू विल पुल बैक, आपको इसे वापस भी खींचना है. ठीक है, तो सीधे रिएक्शन, आपको रिएक्शन देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं फर्स्ट टाइम हाथ को पकड़ लूं. आई कांट डू इट. जैसे वापस खींचूंगा, वापस खींचू, पंच पंच वापस, यस. और जबकि अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और स्पीड हम स्लो डाउन कर रहे हैं, तब भी बहुत मुश्किल होता है किसी का हाथ पकड़ना. ठीक है, बट व्हाट वी कैन डू, हम चैनलाइज कर सकते हैं. जैसे किया, सी नाउ सी द रिएक्शन, अब हाथ वही है जहां था. ओके, क्योंकि मैंने क्या किया है हिट किया है, तो बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो ये होता है. व्हेन आई गेट दिस, समझा, सो वी हैव टू रीड इट. हमको ये चीज समझनी है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल करते हैं, मैट पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होती है बॉडी की, पोजीशन की, रेंज की. जब ये अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होती है तब हम अपनी जो टूल्स है उनको यूज कर पाते हैं. कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एक किसी पर्टिकुलर टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं, ग्रैब की टेक्निक, पुल की टेक्निक, दैट डजंट वर्क, वो काम नहीं करता है. काम क्या करेगा, जो टेक्निक का पूरा अंडरस्टैंडिंग है. मैं यहाँ पे हूँ, पंच किया, मैंने इसको पुश किया, एंड देन आई हिट. मैंने जब ये हिट किया है तो पेन होगा और ये जो हाथ होगा ना ये ढीला हो जाएगा. ओके, जब ये ढीला होगा आई विल स्लैप एंड देन आई विल यूज द फर्स्ट, और जो भी मुझे सॉरी लॉक करना है. Got the point? Okay, hopefully it makes sense now. कि हमें लॉक कोई भी हाथ देगा नहीं. ठीक है, जैसे सी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, टाइट करो आपको, टाइट करना, मैं लॉक कर रहा हूँ आपको, टाइट करना, मैं पूरे दोनों हाथ से लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी लॉक नहीं हो रहा है. अब नाउ सी सीधी रिएक्शन, मैंने जैसे इसको लगा, ताकत लगाओ, अब आपको टाइट करना है. ठीक है, मैंने किया, देखो पुश किया. नाउ सी दिस इज द डिफरेंस, जब मैं बॉडी को हिट करता हूं तो मुझे ये चीज मिलेगी. जैसे मैं हिट किया, एक फिंगर का मैं इम्पैक्ट दे रहा हूं, एक फिंगर का जैसे आप गर्दन में इम्पैक्ट देंगे तो क्या होगा, तो पेन होगा. यहां पर मैंने क्या किया, इम्पैक्ट दिया फिंगर से हिट किया,
तो क्या होगा, दूसरे को समझ में आएगा कि मतलब बॉडी रिएक्ट करेगी, बॉडी रिएक्ट करेगी तो आपको ये चीज मिलेगी एंड देन यू कैन वर्क ऑन दिस, तब आप इस पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही सोचूं कि नहीं मुझे फिगर फोर मिल जाएगा, नहीं इट विल नेवर हैपन, ताकत लगाओ, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, बट जैसे मैं यहां पर हूं और मैं ये करूं दिस इज द रिएक्शन, समझ में, जैसे मैंने यहां टच किया अब मुझे ऊपर लॉक मिला है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि लॉक आइसोलेट होके काम नहीं करते, उसके साथ कोई ना कोई हिट, कोई ना कोई और टेक्निक यूज होती है तब लॉक काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं करते। ऑलराइट, सो इट डजंट वर्क इन दिस वे, सो वी हैव टू नो द कंप्लीट थ्योरी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर टेक्निक, पर्टिकुलर मार्शल आर्ट, एंड ईच एंड एवरी मार्शल आर्ट वर्क्स इन डिफरेंट वे, हर मार्शल आर्ट क्या कर रहा है अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो ठीक है, होपफुली आप लोगों ने ये सीखा होगा कि जो पूरा लॉक सीरीज है वो कैसे की जाएगी। अब हम जो फर्स्ट लॉक है उसकी ड्रिल मैं आपको आज बता रहा हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये जो ड्रिल मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपके काम आएगी, ठीक है, जो कि आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेगी पूरे लॉक सीरीज की। तो फर्स्ट ड्रिल हम कर रहे हैं, पंच करो, वन टैप करेंगे, टू थ्री, अब मैं दूसरे हिट करूंगा, यस दिस इज द फर्स्ट ड्रिल। ये वाली ड्रिल मैं ऑलरेडी चैनल पर सिखा चुका हूं, आपको क्या करना है इसे सीखना है, मूवमेंट देखो, ठीक है, यहां पे खड़ा रहूंगा, पंच हिट होगा, मुझे इधर मूव होना है और फिर मैं पंच ले रहा हूं, यस टू 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 कीप डूइंग, यस दिस इज ओके ओके, ऐसे पुश करना आपको सीखना पड़ेगा, और इसी से हम क्या करेंगे जब यहां पहुंचेंगे इसको हल्का सा पुश करके ऐसा होल्ड कर देंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है वीडियो में कि इस हाथ से क्या करेगा दूसरा हिट करेगा, बट दिस नेवर हैपन, अगर एक बार आपने लॉक प्रॉपर तरीके से किया है तो जैसे ही कोई पुश करता है तो आपको जरूरत नहीं, वैसे भी आप और टूल्स यूज कर सकते हो, डू दिस एंड किक, बूम दिस इज ऑलराइट, यू विल गो दिस एंड देन यू कैन यूज द नी, किक हियर व्हेन गोज देयर देन दिस कम्स अप, ओके यू गो दिस, सी touch, you will kick and when he goes down you knee and then you bring him on ground, this is the technique जो आप reality में use करने वाले हो, ठीक है, जो हम develop करने वाले हैं। so first जो drill है उसको हम इसी में करेंगे, 1 2 3 hold करेंगे, ठीक है, hold करके आपको बस इतना कर लेना है, लो 1 2 3 hold, yes 1 2 3 यहां लाना है और इसको इधर को पुश कर लेना, ओके सर, यस। अब देखिए मैंने व्हाई डिड आई चूज हिम, उन्हें चूज क्यों किया है, क्योंकि वो अभी इस सीरीज को सीख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो वीडियो देख रहा हो उसको ये चीजें भी समझ में आए कि मिस्टेक्स कैसी होती हैं और जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो नेचुरल है, ओके, एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक, सारे लोग मिस्टेक करते हैं शुरुआत में लर्निंग में, तो आपको भी ये सारी चीजें जब डील करेंगे आप तो आप भी मिस्टेक होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको यू मस्ट कीप गोइंग, कीप ऑन डूइंग दैट, ओके सो यस, देखिए 1 2 3 मैंने पुश किया, मेरा ये हाथ फ्री है, इससे मैंने पलटा और इसको चेंज किया, यस 1 2 3 यस गुड, इसको मेरा हाथ यहां लाने की बजाय आपको स्ट्रेट रखना है, इधर को पुश करना है, ओके यस 1 2 3 दिस इज द ड्रिल, यस 1 2 3 चेंज, यस होल्ड, सिंपल होल्ड, ये होल्ड हमें सीखना है, मेरा जो थंब है वो यहां पे जाए, अब जैसा मैंने कहा रियलिटी में पंच होम दिस इज आई वेंट देयर माय हैंड इज हियर, मैंने ये पुश किया फिर वापस आके ये किया, दूसरे वाले कंडीशन में मैं नीचे गया, मैंने यहां हिट किया, हिट करने के बाद फेस में हिट किया, अब मेरा हाथ यहाँ है, मैं पुश किया, ओके दिस इज आई वेंट दिस साइड और दिस साइड, सो ये कोई जरूरी नहीं कि कोई फिक्स वे होगा इसे करने का, बट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन क्या है होल्ड करने की, यहां और ये, ओके एंड दिस इज, यस कम
One, two, three. Then first, keep on doing it. One, two, three. One, two, three. Movement start. कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए मूवमेंट में. दिस इज यस बूम बूम दिस इज दिला. ओके, सो आप यही ड्रिल आप भी करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर 1 2 3 एंड लॉक, 1 2 3 एंड लॉक. तो अपने पार्टनर के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रिल आपकी विदाउट पार्टनर यू कांट डू इट. ऑलराइट, सो मिलते हैं अगले लाइव में, कल के लाइव में, और सीखेंगे हमारा जो सेकंड लॉक है उसे हमें कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है. ऐसे ही 12 लॉक सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.